बी रेडी। 5 सेकंड्स, स्टार्ट। ए बेयर रीडिंग ऑफ दिस प्रोविजन मेक्स इट क्लियर दैट द प्री रिक्विजिट टू एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कमिश्नर स्यू मोटो इज एरेनियस इन सो फार एज इट इज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट्स ऑफ द रेवेन्यू। द कमिश्नर हैज़ टू बी सेटिस्फाइड विद टू कंडीशंस एंड देयर कैन बी नो डाउट दैट द प्रोविजन कैनॉट बी इन्वोक्ड टू करेक्ट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ मिस्टेक और एरर कमिटेड बाई द असेसिंग ऑफिसर। इट इज ओनली वेन एन ऑर्डर इज एरनियस दैट सेक्शन विल बी एट्रैक्टेड। एन इनकरेक्ट अजम्पशन ऑफ फैक्ट्स और एन इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ विल सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्डर बींग एरनियस। द फ्रेज प्री जुडिशल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट एंड इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट। अंडरस्टूड इन इट्स ऑर्डिनरी मीनिंग इट इज ऑफ वाइड इम्पोर्ट एंड इज नॉट कन्फाइंड टू लॉस ऑफ टैक्स। इन दिस कंटेक्स्ट इट मस्ट बी रिगार्डेड एज इन्वॉल्विंग ए कंसेप्शन ऑफ एक्ट्स और अदर्स विच आर सबवर्सिव ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेवेन्यू। देयर मस्ट बी सम ग्रीवियस एरर इन द ऑर्डर पास्ड बाय द इनकम टैक्स ऑफिसर विच माइट सेट ए बैड ट्रेंड और पैटर्न फॉर सिमिलर असेसमेंट्स विच ऑन ए ब्रॉड रेकनिंग द कमिश्नर माइट थिंक टू बी प्री जुडिशल टू द इंटरेस्ट्स ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इन आवर व्यू दिस इंटरप्रिटेशन इज टू नैरो टू मेरिट एक्सेप्टेंस। द स्कीम ऑफ द एक्ट इज टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड दिस टास्क इज एंट्रस्टेड टू द रेवेन्यू। इफ ड्यू टू एन एरेनियस ऑर्डर ऑफ द इनकम टैक्स ऑफिसर द रेवेन्यू इज लूजिंग टैक्स लॉफुली पेबल बाय ए पर्सन इट विल सर्टेनली बी प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट्स ऑफ द रेवेन्यू। द फ्रेज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट्स ऑफ द रेवेन्यू हैज टू बी रीड इन कंजंक्शन विद एन एरेनियस ऑर्डर पास्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर। एवरी लॉस ऑफ रेवेन्यू एज ए कंसीक्वेंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ असेसिंग ऑफिसर कैनॉट बी ट्रीटेड एज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट्स ऑफ द रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल वेन एन इनकम टैक्स ऑफिसर अडॉप्टेड वन ऑफ द कोर्सेस परमिसिबल इन लॉ एंड इट हैज रिजल्टेड इन लॉस ऑफ रेवेन्यू और वेयर टू व्यूज आर पॉसिबल एंड द इनकम टैक्स ऑफिसर हैज टेकन वन व्यू विद विच द कमिश्नर डज नॉट एग्री इट कैनॉट बी ट्रीटेड एज एन एरेनियस ऑर्डर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट्स ऑफ द रेवेन्यू अनलेस द व्यू टेकन बाय द इनकम टैक्स ऑफिसर इज अनसस्टेनेबल इन लॉ। इट हैज बीन हेल्ड बाय दिस कोर्ट दैट वेयर ए सम नॉट अर्नड बाय ए पर्सन इज असेस्ड एज इनकम इन हिज हैंड्स ऑन हिज सो ऑफरिंग द ऑर्डर पास्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर एक्सेप्टिंग द सेम एज सच विल बी एरोनियस एंड prejudicial to the interests of the revenue. In the instant case, the commissioner noted that
The income tax officer passed the order of nil assessment without application of mind. Indeed, the High Court recorded the finding that the income tax officer failed to apply his mind to the case in all perspective and the order passed by him was erroneous. It appears that the resolution passed by the board of the appellant company was not placed before the assessing officer. Thus, there was no material to support the claim of the appellant that the said amount represented compensation for loss of agricultural income. He accepted the entry in the statement of the account filed by the appellant in the absence of any supporting material and without making any inquiry. On these facts, the conclusion that the order of the income tax officer was erroneous is irresistible. We are therefore of the opinion that the High Court has rightly held that the exercise of the jurisdiction by the Commissioner under Section 263(1) was justified. The second contention has to be rejected in view of the finding of fact recorded by the High Court. It was not shown at any stage of the proceedings the amount in question was fixed or quantified as loss of agricultural income, and admittedly, it is not so found by the tribunal.